दोस्तों, कैनल टीम बुटर ब्रदर्स में आज हम बात करेंगे पप्पी की डाइट के बारे में। पप्पी की डाइट जी, आपने जब भी माँ का दूध छुड़वा के, आपने जहाँ माँ के दूध आप चलता रहता साथ के साथ, एक दो टाइम माँ का दूध पप्पी को चलता रहता है, और सुबह शाम आपने उसको फूड स्टार्टर फूड देना है, NND का, चाहे अच्छी कंपनी किसी भी कंपनी का, हम तो NND का देते हैं, स्टार्टर फूड देते हैं उसको, और रोलकैन भी दे सकते हो आप, पैडागरी स्टार्टर भी दे सकते हो। सुबह शाम उसमें आपने उसमें गटवेल ऐड करना है, गटवेल क्वांटिटी के हिसाब से करना है जी, और उसके साथ दही, सुबह दही करनी है, शाम को आप एग कर सकते हो, वाइट एग कर सकते हो, थोड़ा पाउच छोटा सा आप वाइट एग कर सकते हो उसके अंदर, और उसके गेटवेल जरूर डालना है, क्योंकि उसके बच्चे के डाइजेशन अच्छी तरह से हो जाए, खाने में उसमें कोई दस्त वगैरह कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए दस्त की, तो गेटवेल ऐड जरूर करना है जी। और उसके बाद खाने के बाद, जब खाना खा लिया डॉग पप्पीस ने, तो उसके बाद 1-2 घंटे बाद आपने वी शूट देनी है उसको, वेट के हिसाब से वी शूट से इम्यूनिटी बनी रहती है, बच्चे को बीमारी नहीं आती जब तक हम वैक्सीन 42-42 डेज पे तक वैक्सीन लगाते हैं, तो तब तक उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है। तो वी शुड आपने जरूर देना है जी, और वी शुड जब खत्म हो जाए, 1 शीशी 2 शीशी आपने वी शुड की दे देनी है उसको, पिला देनी है, आप रेगुलर पिला सकते हो जब तक पप्पी आपके सेल नहीं होते, जहाँ पप्पी आपने घर पर रखने हैं। तो उसके बाद हमने माई व्यू चालू कर देते हैं हम उस डॉग्स को, जैसे माई व्यू हमारे पास, हमने बड़ी पैकिंग ला रखी है माई व्यू की, मल्टी विटामिन वाली, और माई व्यू हमने चालू कर देना है। माई व्यू का बहुत शानदार रिजल्ट है, इसमें मल्टी विटामिन ग्रोथ के लिए बच्चे पूरे चंगे हेल्थी हो जाते हैं। उसके बाद अलग वीडियो हम बनाएंगे माई व्यू के ऊपर, और माई व्यू के बहुत तरह के आते हैं, माई व्यू स्किन कोट भी आता है, माई व्यू मल्टी विटामिन भी आता है, 4 तरह का माई व्यू आता है, इसके ऊपर हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छे हेल्थी रहते हैं पपीज़, तो बने रहना जी वीडियो के साथ, और हम आपको दिखाते हैं जी पपीज़ कैसे खाते हैं, बच्चों को बहुत शानदार तरीके से खाते हैं बच्चे, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि पपीज़ ना खाएं, और क्योंकि गैटवेल से बच्चे की डाइजेशन होती है और उसकी इम्यूनिटी पावर होती है वो भी स्ट्रांग रहती है, और बच्चे पोटी करते हैं, ऐसा नहीं लूज मोशन उसको, कोई भी डायरिया या कोई लूज मोशन की दिक्कत आए तो बच्चे बढ़िया है खाते हैं, तो हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि अगर मैश नहीं हो तो बच्चे को खाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और उससे मैश से अच्छी तरह से उसको पच भी जाता है खाना, कोई भी दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं आती उसको भी, और हम दिखाते हैं जी कैसे खाना खाएगा बच्चे, एकदम से सारा खा जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और दही से आपने जरूर ऐड करनी है दही, क्योंकि दही से और बच्चे खाना खाते हैं आराम से, थोड़ी सी दही तो आपने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है, थोड़ी सी ऊपर फ्लेवर के लिए ऊपर हम डाल देंगे इसके फ्लेवर के लिए, क्योंकि दही से खाना बढ़िया है खाते हैं बच्चे, और हम दिखाएंगे जी आपको कैसे बढ़िया तरीके से खाना खाएंगे पप्पी, और खाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स खाना पप्पीज खा रहे हैं, हमारे लैब्राडोर के पप्पीज हैं हमारे 40 डेज के, तो ऐसे ही हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे, तो बने रहना आप कैनल टीम बुटर ब्रदर के साथ, जो हम खुद का एक्सपीरियंस हमारा 8 साल का वो हम बताते हैं, और कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं कैनल में, कौन सी हम और ट्रीटमेंट हमने जो जो हमने किए हैं अब तक, और वो सभी आपसे शेयर करते रहेंगे, वीडियो से ज़्यादा आप शेयर कर दिया करो, ताकि हर किसी नए भाई को वीडियो देख के उसकी जानकारी का लाभ उठा सके, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है जिसको फॉलो कर लें, और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और नोटिफिकेशन का जो है घंटी वाला बटन जो उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके, तो मिलते हैं जी किसी और नई वीडियो के साथ, बने रहना जी कैनल टीम बुटर ब्रदर्स के साथ।